नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बहुत लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि जब भी मैं किसी को राय देता हूं तो उसका तो फायदा हो जाता है, लेकिन उस राय से मैं खुद फायदा नहीं ले पाता। बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो जब दूसरे को एडवाइस करते हैं तब तो वो सक्सेसफुल हो जाता है उनकी मानकर, लेकिन उनका खुद कुछ नहीं बनता। ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं आपकी पत्रिका के अंदर जिससे पता चले कि क्या शेयर मार्केट में जाना आपके लिए लाभदायक रहेगा भी या नहीं, या आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत सारे ज्ञानी जनों ने, आपने कभी वीडियोस भी देखे हो या नेट पे आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो बहुत सारे ज्ञानी जन कहते हैं कि बुध हो अच्छा, राहु अच्छा हो, शनि अच्छा हो तो तभी शेयर मार्केट में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए जो दो प्लेनेट सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो मरकरी राहु सैटर्न नहीं है, वो है सबसे पहले बृहस्पति और दूसरा है चंद्रमा। उसका लॉजिक क्या है? बृहस्पति है आपकी किस्मत। जैसा मैंने अभी आपको कहा ना कि आप दूसरे को बताते हैं वो लाभ कमा लेता है, आप नहीं कमा पाते। आप कहते हैं सर मेरी किस्मत ही खराब है, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जो स्टॉक जब तक होल्ड कर रखा था वो स्टॉक तो बड़ा नहीं, जैसे ही मैंने बेचा उसके बाद वो स्टॉक कहीं रुक ही नहीं रहा, अब मैं वापस खरीदना भी चाहता हूं तो नहीं हो पाता, मैं जिस चीज में इन्वेस्ट करता हूं उसमें मुझे उतना लाभ नहीं होता क्योंकि बृहस्पति खराब है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जो बहुत सारे ज्ञानी जन डिस्कस नहीं करते वो है चंद्रमा। चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत जरूरी होता है कि पेशेंस रखना। आप देखेंगे जब भी आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा ऊपर गया तो आपकी पेशेंस जवाब देने लग जाती है, यार बेच देते हैं इसको या फिर और खरीद लेते हैं कुछ। उस समय पर पेशेंस रखते हुए कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिसीजन लेना, लॉन्ग टर्म अपनी स्ट्रेटजी पर डिसीजन लेना, जो आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ये सब चीजें एक प्रोफेशनल कोर्स में कराई जाती हैं। हम लोगों ने ये चीजें, जब मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहा था तो बहुत डिटेल में हमने ये सब चीजें करी हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो का बनाना, उसमें एलोकेट करना फंड्स, ये एक अलग इशू है, वो मैं आज इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि आज तो फोकस जो हमारा है वो ये है कि जो प्लैनेट्स जिम्मेवार हैं शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए, अगर हम उनको बढ़िया करना चाहते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तो ये रहता है कि जब भी आप प्रोफेशनल होकर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली जरूर चेक करा लीजिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टनेस कई बार नुकसान दे जाती है। आपने बहुत ज़्यादा स्टेक्स लगा दिए, मैं आज कुछ कॉम्बिनेशन पे बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। तो दो प्लैनेट्स पे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि सबसे पहले देखिए बृहस्पति। अगर आप कहते हो सर मेरे को तो कभी किस्मत का साथ मिला ही नहीं, तो आप जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आपकी किस्मत साथ नहीं देती। इससे पहले कि किस्मत को पहले बढ़िया बनाइए, बृहस्पति को थोड़ा अच्छा करिए और फिर उसके बाद शेयर मार्केट में और डेप्थ में इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे बड़ी चीज है स्टॉप लॉस लगाना, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाना कि इससे ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, इससे ऊपर मैं रिस्क नहीं करूंगा। वो भी बहुत बार आपको सेव कर जाती है लॉस होने से, क्योंकि मेरा मोटिव ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो ना कि आप शेयर मार्केट में घुसते चले जाएं, इन्वेस्ट कर दें। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जब शेयर मार्केट की बात की जाती है बहुत लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी की भी बात करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि जहां पर आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे कर रहे हैं, कोई जुआ सट्टा एटसेट्रा नहीं खेल रहे। तो पहले दो प्लैनेट्स पे मैंने बात करी, बृहस्पति और आपका चंद्रमा। अगर ये अच्छे हैं आपकी पत्रिका में, बृहस्पति चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, अच्छे हाउसेज में है, चंद्रमा पे एफ्लिक्शन नहीं है, तो क्या रहेगा, आपको पेशेंस रहती है। कभी लॉस भी हो रहा होगा तो आप सह जाओगे और फिर उसी हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। ये दो प्लैनेट्स प्राइमरी हो गए। अब जो तीसरा प्लैनेट जिसकी बहुत लोग बात करते हैं वो है बुध। अब बुध क्यों है? क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। अगर बुध आपका अच्छा है, राहु आपका अच्छा है, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका में और दोनों अच्छे हाउसेस में बैठे हैं, तो भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
लेकिन अब आप देखिए कि बुध हो खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 8 में, 9 में या 12 में, तो ऐसे में कभी भी इन्वेस्ट करते हुए बहुत ध्यान से करिए। खासकर खाना नंबर 2 और 12 के बारे में तो ये कहा जाता है कि खाना नंबर 2 में बुध आपकी इन्वेस्टमेंट कराता चला जाएगा और एक लेवल पर आकर अचानक ही लॉस हो जाएगा। तो खाना नंबर 2 में और 12 में, 12 जो है वो वैसे भी बुध 12 में अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी चीजें सोच समझ के अपना स्टॉप लॉस लगा कर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका बुध है खाना नंबर 8 में या 9 में, 9 में एक चीज ध्यान रखिएगा, बुध को खाना नंबर 9 में कहा जाता है तिलस्मी भूत। लाल किताब कहती है बुध तिलस्मी भूत है, और अगर बुध अकेला बैठा है तो उसका भेद भी निकाल लेना चाहिए कि वो किसका स्वभाव लेकर बैठा है। खाना नंबर 9 में बुध ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉस ही देगा, बहुत बार प्रॉफिट भी देखा गया, लेकिन फिर वो कुंडली के कॉम्बिनेशन डिफरेंट होते हैं, बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि बुध आपको कितने अच्छे फल देगा। अब मैंने बात करी बुध की, राहु की, पहले बात करी थी चंद्रमा की और बृहस्पति की, अब इसके अलावा शनि, क्योंकि शनि देव जो है वो व्यापार के कारक हैं, और खासकर जब आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस समय पर अगर आपके शनि अच्छे हैं, कहा जाता है शनि और बुध का कॉम्बिनेशन हो आपकी पत्रिका में, तो ऐसा व्यक्ति पक्का व्यापारी होता है। वो लॉस नहीं करेगा कभी भी, वो रिस्क फ्री खेलेगा हमेशा, वो कोशिश करेगा कि मेरे को ज्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े और रिटर्न भी अच्छे आ जाए। तो अब जैसा कि मैंने पहले 2 प्लैनेट्स बताए, उसके अलावा बुध और राहु की पोजीशन देखिए और शनि की पोजीशन देखिए। अगर शनि अच्छे हैं आपकी कुंडली के अंदर, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे केसेस में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। अब आप कहते हैं कि सपोज मान लीजिए हमारे ये 5 प्लैनेट, मैंने 5 प्लैनेट्स पे बात करी, अब ये 5 प्लैनेट्स के 5 प्लैनेट्स खराब है या इनमें से कोई एक दो खराब है, तो क्या उपाय करने चाहिए? क्योंकि उपाय बहुत जरूरी है। सबसे बेस्ट तो ही रहता है कि कुंडली के हिसाब से परामर्श ले लें ताकि लॉस की जो पॉसिबिलिटी है उसको अवॉइड किया जा सके। अब सबसे पहले बात करता हूं बुध राहु के कॉम्बिनेशन के। बुध राहु बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लोग सिर्फ बुध राहु को कहते हैं जेल, पागल खाना, ऐसा ऐसा नहीं है कि बुध राहु हमेशा ही ऐसा देता है, वो स्पेसिफिक हाउसेस के लिए कहा गया है। बुध राहु का कॉम्बिनेशन लेकिन अगर आपको नुकसान दे रहा है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि शमशान का पानी आप किसी भी कांच की शीशी में भरकर उसको ढक्कन लगाकर अपने पास रख लीजिए, तो बुध राहु से होने वाले नुकसान से आप बचे रहेंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरा, आप कहते हैं सर हमें बुध को अच्छा करना है। बुध को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपसे बात करी है, मंगलवार रात को आप हरी मूंग साबुत दाल भिगो दीजिए और बुधवार को सुबह उसको पक्षियों में डालते रहिए, तो इससे आपके बुध के रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएंगे। और बुध से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, बहन, बुआ, बेटी, इनसे रिलेशनशिप जब अच्छी रखेंगे तो बुध के अपने आप ही अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं छोटी कन्याओं की सेवा करनी शुरू करें, उनको कोई उपहार दे दिया, खाने के लिए कुछ दे दिया, बुध आपके ठीक होते चले जाएंगे। ये तो हुआ पहला, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बुध की प्रॉब्लम को कभी भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बुध नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, बुध है आपका दिमाग, राहु है विचार और राहु है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। एक बात ध्यान रखिएगा, जिनका राहु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वो कुंडली परामर्श कभी भी नहीं लेंगे। वजह वजह यह है कि राहु इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि उनको वो गैम्बल ही नहीं करने देता, उनको वो रिस्क ही नहीं लेने देता, तो उस केस के अंदर वो रिस्क लेंगे नहीं तो रिटर्न भी नहीं आएगा, और इसी तरह से शेयर मार्केट में भी सक्सेस नहीं हो पाता। तो यहां बुध को तो अच्छा करो ही करो, राहु को भी अच्छा करो। राहु को अच्छा करने के लिए क्या करना है, जैसे बुध के लिए आपने हरी मूंग साबुत दाल ली थी, अब राहु के लिए आप जौ ले लीजिए। बस जौ को भिगोना जो है वो दूध में भिगोना है। आप ये कर सकते हैं, बुधवार रात को आपने जौ भिगो दी, आप ये अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्वांटिटी की कोई कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप जौ भिगो दीजिए, कच्चे दूध में भिगो दीजिए, सुबह तक वो नरम हो जाएगी और उसको भी पक्षियों में डालते रहें। जो कबूतर होता है वो बुध और राहु दोनों का मिश्रण होता है। कबूतर का जो रंग होता है वो राहु से संबंधित है, और बुध, क्योंकि पक्षी जो उड़ने वाले पक्षी हैं वो बुध से माने जाते हैं, तो बुध राहु
दोनों होते हैं कबूतर में, और आजकल कबूतर ही ज्यादा मिलते हैं, तो आप उनको फीड कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका बुध और राहु को अच्छा करने का तरीका। अब क्योंकि मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको कहा था, जब तक लक साथ नहीं देता, तो आप देख ही रहे होंगे कि आपने और किसी व्यक्ति ने साथ साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और तो और आपसे डिस्कशन करते हुए आपसे एडवाइजेज लेता रहता था, और आपने सोचा कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसने एक्चुअली इन्वेस्ट कर दिया और उसका फायदा हो गया। आपका बुध ऐसा है जो दूसरों को राय देते हो, उससे दूसरे तो ऊपर चले जाते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हो, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स का भी कॉम्बिनेशन देखा जाता है, तो ऐसे में आप किस्मत का लाभ चाहते हैं। तो केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे नियमित तौर पर लगाते रहे। बृहस्पति के बहुत सारे उपाय मैंने अलग अलग वीडियोस में शेयर किए हैं, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये बृहस्पति को आप इम्प्रूव कर दीजिए, और चंद्रमा को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा है पेशेंस, शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपको फायदा ही हो जाए, लॉस भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप प्रॉफिट अभी बुक करना चाहते हैं, लेकिन और ज्यादा इसके बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में पेशेंस का काम करना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए जो वृद्ध स्त्रियां हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दें, उपहार दे दें, अपनी माता की सेवा कर लें, दादी की सेवा कर लें, इस तरह से जहां पर भी आपके लिए संभव हो वृद्ध स्त्रियों की, क्योंकि चंद्रमा वृद्ध स्त्रियों से संबंधित है यहाँ पर। तो हमने चंद्रमा को खुश कर दिया, हमारा चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो ये चार प्लैनेट्स की बात हो गई। अब आप कहते हैं शनिदेव के रिजल्ट कैसे इंप्रूव किए जाएं? सबसे अच्छा तरीका ये है कि अंधे लोगों की आप सेवा कर सकें, चाहे उनको आप कुछ खाने के लिए दे सकें, उनको कहीं पर कोई कहीं जाना है उसके लिए कोई मदद कर सकें, अपनी तरफ से देख लीजिएगा, वो कर सकते हैं। इसके अलावा कौओं को आप नियमित तौर पर जहां पर भी आपके पास उपलब्ध हो वो फीड कर लीजिए, या फिर मजदूरों को जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, शनि से संबंधित माने जाते हैं, तो उनको आप नियमित तौर पर चाहे हलवा पूरी बांट दिया आपने, या आपने काले चने बना के बांट दिए, कुछ ना कुछ उनको खिलाते रहे, जब वहां से आपको शनि के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो आपकी व्यापार की जो समझ है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप शेयर मार्केट में अलग अलग ग्रहों को का बेनिफिट ले सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका के अंदर। ऐसे केसेस के अंदर मान लीजिए मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, या फिर आपका मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन में होता क्या है, इंसान इस तरह का कीड़ा हो जाता है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है, समझ तो आती है लेकिन कई बार क्या होता है कि अचानक लॉसेस हो जाते हैं बुध और केतु के कॉम्बिनेशन होने की वजह से। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। मान लीजिए आपका बुध बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के करिए, कहीं प्रॉफिट की जगह लॉस ना हो जाए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आने वाले समय में कुछ और उपाय भी, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊंगा। इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पे बहुत डेप्थ में स्टडी करी है, आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी चाहिए, क्या बेटर तरीका रहता है, अपनी पोर्टफोलियो को किस तरह से बनाना है, कुछ शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में जैसा जैसा समय मिलता रहेगा। आप सपोर्ट करते रहें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।